रिलेशन इन फंक्शन में सबसे पहले आता है कार्टीजियन प्रोडक्ट। क्या आता है? कार्टीजियन। कार्टीजियन प्रोडक्ट हम कैसे डिफाइन करते हैं दो सेट्स के बीच में? देखिए, कार्टीजियन प्रोडक्ट डिफाइन एज ए क्रॉस बी वेयर ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स, वेयर ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स। रिलेशन फंक्शन में सबसे पहले आता है कार्टीजियन प्रोडक्ट। कार्टीजियन प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं ए क्रॉस बी। इन कार्टीजियन प्रोडक्ट ये ध्यान रखना बेटा, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए इक्वल टू 1,2, बी इक्वल टू 2,3, देन ए क्रॉस बी इक्वल टू 1,2 क्रॉस 2,3, दैट इज इक्वल टू। देखिए बेटा, ए क्रॉस बी बनाते कैसे हैं? 1,2, 1,3, 2,2, 2,3, इस तरीके से। कैसे बेटा? 1 को 2 के साथ लेंगे, 1 को 3 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ। जब हम इन्हीं दो एलिमेंट्स को ए कॉमा बी की फॉर्म में इस फॉर्म में रखते हैं, इट इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। जब हम एलिमेंट्स को इस फॉर्म में रखते हैं, इट इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अगर इसी में मेरे को बी क्रॉस ए निकालने को कहा जाए, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए में क्या होगा? 2,3 क्रॉस 1,2, दैट इज इक्वल टू 2,1, 2,2, 3,1, 3,2। अगर आप बेटा देखिए, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि ए क्रॉस बी का पहला एलिमेंट अगर 1,2 है, तो बी क्रॉस ए में पहला एलिमेंट 2,1 है। सिर्फ ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में एक ही एलिमेंट है जो सेम है। जबकि अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ए क्रॉस बी क्या बना? एक सेट बन गया। बी क्रॉस ए क्या बना? एक सेट। जब हम इक्वल की बात कर रहे हैं, तो हम बात करते हैं इक्वल सेट। और इक्वल सेट्स में क्या होता था? इक्वल सेट में होता था ए सेट में जितने एलिमेंट है, जो एलिमेंट है वही सेम एलिमेंट बी सेट में होने चाहिए। ऑर्डर उनका जो है, उनका ऑर्डर जो है वो डिफरेंस हो जाए, मतलब चेंज हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ए सेट में 1,2,3 है, तो बी सेट में भी यही एलिमेंट होने चाहिए, चाहे इनकी पोजीशन चेंज हो जाए। बट ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट है वो सेम एलिमेंट बी क्रॉस ए में नहीं है। क्योंकि अगर हम ग्राफिकली भी देखें, आप 1,2 को ग्राफ पे प्लॉट करो और 2,1 को ग्राफ पे प्लॉट करो, तो सेम पोजीशन नहीं है, सेम पोजीशन नहीं है, डिफरेंट है। इसलिए ये इक्वल नहीं होगी। इसलिए हम कहते हैं ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस। हाँ जी, क्लियर है? बोलिए। तो कार्टीजियन प्रोडक्ट को हम इस तरीके से दिखाते हैं। अब इसके अंदर आता है, देखिए बेटा, इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर्स। इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर्स क्या होगी वो लिखिए। इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर्स, इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर्स को हम डिफाइन करते हैं, वी हैव ए कॉमा बी इक्वल टू सी कॉमा डी इफ एंड ओनली द नेम ऑफ द सिंबल इज कॉल्ड इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू। क्लियर है पॉइंट? बोलिए।
अब हम जो है बेटा क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट कहता फाइंड ए एंड बी व्हेन ए माइनस वन कॉमा बी प्लस फाइव इक्वल टू टू कॉमा थ्री। करने का तरीका क्या रहेगा बेटा? सॉल्यूशन में गिवन a माइनस वन कॉमा बी प्लस फाइव इक्वल टू टू कॉमा थ्री इफ एंड ओनली द नेम ऑफ द सिंबल इज इफ एंड। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है, इसलिए यूज किया जाता है इफ एंड ओनली। इफ एंड ओनली a माइनस वन इक्वल टू टू एंड b प्लस फाइव इक्वल टू थ्री। तो a कितना आ गया बेटा? एंड इफ एंड ओनली इफ a इक्वल टू थ्री एंड b इक्वल टू माइनस। एंड क्लियर है भाई? बोलिए एक क्वेश्चन और। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड If a equal to set है बेटा वन कॉमा टू कॉमा थ्री, b equal to set थ्री कॉमा फोर है बेटा, एंड c equal to फोर कॉमा फाइव कॉमा सिक्स। फाइंड फर्स्ट पॉइंट A क्रॉस B यूनियन C। सेकेंड पॉइंट A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। थर्ड पॉइंट A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस C। सॉल्यूशन में देखिए बेटा, सबसे पहले गिवन हमारे पास क्या बेटा? फर्स्ट पॉइंट के लिए गिवन a इक्वल टू वन कॉमा टू कॉमा थ्री, b इक्वल टू थ्री कॉमा फोर, c इक्वल टू फोर कॉमा फाइव कॉमा सिक्स। पहले निकालिए बेटा b यूनियन c। b यूनियन c क्या होगा? थ्री कॉमा फोर यूनियन फोर कॉमा फाइव कॉमा सिक्स। बेटा यूनियन क्या होता है? कंबाइन कर देना सेट्स को, ठीक है, और जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उसे एक बार, जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उसे एक बार लिखना। तो क्या आएगा बेटा? थ्री कॉमा फोर कॉमा फाइव कॉमा सिक्स। अब हम निकालेंगे बेटा ए क्रॉस बी यूनियन सी। ए क्या बेटा हमारे पास? 1, 2, 3 क्रॉस B यूनियन C क्या बेटा? 3, 4, 5, 6। अब ऑर्डर क्लियर बनाएंगे बेटा इसे। 1, 3 पहले 1 के साथ सारे एलिमेंट को लेंगे। 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। फिर 2 के साथ लेंगे बेटा 2, 3। जो ऑर्डर पेयर पहले 1 के साथ ऑर्डर पेयर बनाए, अब 2 के साथ 2, 3, 2, 4, 2, 5 ऐसे बनाने बेटा, कॉमा 2, 6। अब किसके साथ बनाएंगे बेटा? 3 के साथ 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। हाँ जी क्लियर है भाई? पहले 1 के साथ सारे ऑर्डर पेयर बनाने, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ। हाँ जी क्लियर है? ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट शुरू करो बेटा, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। हाँ जी शुरू करो सेकंड पार्ट।
सेकंड पार्ट के लिए भी गिवन कंडीशन चाहिए हमारे पास। सबसे पहले निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी। बी क्या है बेटा 3.4 इंटरसेक्शन सी क्या है बेटा 4.5.6। क्या रिजल्ट आएगा बेटा बी इंटरसेक्शन सी दोनों में कॉमन क्या है बेटा 4। अब हम लेंगे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ए क्या है बेटा हमारे पास 1.2.3 क्रॉस 4 तो दैट इज इक्वल टू। देखिए ऑर्डर पे है पहले 1.4, 2.4, 3.4 वन के साथ टू के साथ थ्री के साथ ऑर्डर पेयर में। हाँ जी क्लियर है पॉइंट बोलिए इस तरीके से। अब थर्ड पार्ट शुरू करो बेटा थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। हाँ जी शुरू करें देखिए थर्ड पार्ट में भी गिवन सेट्स हमारी यही है। पहले ए क्रॉस बी निकालें। ए क्रॉस बी क्या होगा 1.2.3 क्रॉस 3.4। ये देखिए कैसे बनाएंगे ऑर्डर पे पहले 1 के साथ बनाएंगे 1.3, 1.4, 2.3, 2.4, 3.3, 3.4। अब निकालेंगे बेटा B क्रॉस C। B सेट क्या है बेटा हमारे पास 3.4 क्रॉस C सेट क्या है बेटा 4.5.6 दैट इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 3.4, 3.5, 3.6। पहले 3 के साथ हमने ऑर्डर पेयर बनाया अब 4 के साथ बनाएंगे कॉमा 4.4, 4.5, 4.6। अब हमें लेना बेटा A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस C दोनों सेट्स के बीच में कॉमन यानी कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं 3.4। एक तो 3.4 है और कोई है नहीं तो 3.4 एक कॉमन है। हाँ जी क्लियर है बोलिए कि इस तरीके से होगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन थर्ड के अंदर लिखिए बेटा इफ ए क्रॉस बी इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू ऑर्डर पेयर 3.2, 3.4, 5.2, 5.4 कह रहे फाइंड ए एंड बी। तो ए इक्वल टू क्या आएगा बेटा सॉल्यूशन में पहले लिखेंगे गिवन A क्रॉस B इक्वल टू 3.2, 3.4, 5.2, 5.4। तो सेट A क्या बनेगा बेटा हाँ जी सेट A इक्वल सेट को हमेशा किससे दिखाते हैं कैपिटल अल्फाबेट से किससे दिखाते हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे A सेट क्या आएगा बेटा A सेट कैसे बनाएंगे जो पहला एलिमेंट क्या है 3 और 5। आप कहोगे जी 3 तो रिपीट हो रहा है सेट बनाते समय हम एलिमेंट को रिपीट नहीं करते ठीक है। और बी सेट क्या बनेगा बेटा 2, ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए में लिखा जाएगा जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी के अंदर आएगा। ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए में और ऑर्डर पेयर में जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी में ठीक है जी। अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में ये मान लूं n ऑफ a नंबर ऑफ सेट a 2 तो ये एलिमेंट है नंबर ऑफ सेट b 2। लिखिए बेटा
कहता है इफ ए इक्वल टू क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन फोर इफ सेट ए इक्वल टू ए कॉमा बी फाइंड ए क्रॉस ए। सॉल्यूशन देखिए बेटा, गिवन ए इक्वल टू ए कॉमा बी, नाउ ए क्रॉस ए इक्वल ए कॉमा बी क्रॉस ए कॉमा बी दैट इज इक्वल क्या बनेंगे बेटा ऑपरेटर ए कॉमा ए ए कॉमा बी कॉमा बी कॉमा ए कॉमा बी कॉमा ये। हाँ जी क्लियर है पॉइंट, बोलिए एक और लिखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इफ ए इक्वल टू वन कॉमा टू फाइंड ए क्रॉस ए क्रॉस ए। सॉल्यूशन गिवन ए इक्वल टू वन कॉमा टू, नाउ ए क्रॉस ए इक्वल टू वन कॉमा टू क्रॉस वन कॉमा टू क्रॉस वन कॉमा टू। पहले दो में बना देंगे वन कॉमा वन वन कॉमा टू कॉमा टू कॉमा वन टू कॉमा टू क्रॉस वन कॉमा